क्या आपको ये न्यूज़ पता चली कि 3 एक्सपैट्स को सऊदी नेशनलिटीज़ मिली हैं? उनमें से एक पाकिस्तानी हैं और 2 सूडान से ताल्लुक़ रखते हैं। आई फील वेरी हैप्पी फॉर देम बिकॉज ना कि मैं सिर्फ उनको जानता हूँ, उनमें से एक मेरे MBA में क्लासमेट भी हैं। हसन इकराम, अहमद मरगनी और मोहम्मद आबे ने रिसेंटली अपनी लिंक्डइन पे पोस्ट करते हुए ऐलान किया और सबको सरप्राइजिंगली खुश करते हुए ये बताया कि उनको सऊदी नेशनलिटी मिल चुकी है। रिसेंट कॉल पे मेरी इनके साथ ढेर सारी डिस्कशन हुई है और मैं अपनी बिजनेस कम्युनिटी में क्लोज मेंबर्स के साथ ये डिस्कशन शेयर करता रहता हूँ। एक चीज़ जो आपको इन तीनों में कॉमन नज़र आएगी वो ये है कि इन सब का एंटरप्रेन्योरशिप के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है। और अगर आपको याद होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप लाइसेंस के ऊपर मैं पिछले 4 साल से वीडियोस बना रहा हूँ और काफ़ी सारे लोगों को उससे फ़ायदा हुआ है। हम अपनी बिजनेस कम्युनिटी के अंदर डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे आप भी एंटरप्रेन्योरशिप लाइसेंस ले सकते हैं और क्या पता शायद नेक्स्ट यू विल बी द लकी वन टू गेट द नेशनैलिटी। बिकॉज नाउ वी हैव मोर देन 50,000 फॉलोअर्स ऑन सोशल मीडिया, तो हमने रिसेंटली 50% ऑफ ऑफर निकाली है फॉर दोज हु वुड लाइक टू ज्वाइन आवर कम्युनिटी। तो देर ना करें, हमारी बिजनेस कम्युनिटी को ज्वाइन करें जिसके अंदर हम ना कि सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप लाइसेंस को डिस्कस करते हैं, हम इन्वेस्टर लाइसेंस को डिस्कस करते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपको गाइड करते हैं कि कैसे आप सऊदी अरब में लीगली अपने नाम पे बिजनेस कर सकते हैं। एंड हु नोज, इंशाल्लाह इम्पैक्ट अगर आप क्रिएट करें यहाँ पे तो नेक्स्ट नेशनलिटी शायद आपको मिले।